नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सगी बहन किसे कहती है, सगी बहन किसे कहा जाता है। तो जब दो बहनों या भाई और बहन के जो माता पिता होते हैं एक ही होते हैं, तब ऐसी स्थिति में जो उस बहन का उस भाई से या उस बहन से संबंध होगा वह सगी बहन का कहलाएगा। जैसे भगवान यमराज व माता यमुना की जो पिता है, माता पिता है, वह भगवान सूर्य व माता संध्या है। अब इन दुष्पुत्र संतानों अर्थात भगवान यमराज और माता यमुना जी की जो मध्य संबंध होगा भगवान यमराज का माता यमुना से, क्योंकि माता यमुना यहां पर भगवान यमराज की सगी बहन होगी। क्यों होंगी? क्योंकि इन दोनों की जो माता पिता है वह एक ही है। यमराज के भी माता पिता भगवान सूर्य और माता संध्या है और यमुना के भी भगवान सूर्य और माता संध्या है। ऐसी स्थिति में जो यमराज का संबंध होगा, जो यमुना माता यमुना का संबंध यमराज से होगा वह सगी बहन होगा। तो कहने का तात्पर्य है जब दो बहनों या भाई व बहनों की माता पिता एक होती है तो उनकी उनकी मध्य उस बहन का जो संबंध होता है उसे सगी बहन कहते हैं, चाहे उस बहन का संबंध भाई से हो चाहे बहन से हो। तो जैसे बात करें माता सीता और उर्मिला, उनकी जो माता पिता थी जनक व सुनैना, जी थी। माता सीता की भी माता पिता जनक व सुनैना जी थी और उर्मिला की भी माता पिता यही थी। अर्थात माता सीता और उर्मिला दोनों सगी बहनें थी, क्योंकि क्योंकि माता पिता दोनों एक ही थी। ऐसी स्थिति में माता सीता का संबंध उर्मिला से सगी बहन का, उर्मिला का संबंध माता सीता से सगी बहन का होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मैं जो अभी समझा रहा था, आपको जानकारी दे रहा था, इसकी जानकारी हो चुकी है। यदि आपकी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।